प्लस कंपनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम जगदीश यदुवंशी है, चित्तौड़गढ़ हेडक्वार्टर कलश कंपनी एरिया मैनेजर। और यहाँ पर हम बड़लिया गांव के अंदर खड़े हुए हैं। यहाँ पर कलश कंपनी की जो KSP 53 में मक्का लगी हुई है, और हमारे साथ हैं हमारे डीलर महादेव कृषि सेवा केंद्र बड़लिया, भरत भाई। हम बात करते हैं भरत भाई, नमस्कार। नमस्कार, आपको ये कैसा लगा ये मक्का? सर बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट वेराइटी है सर ये जी। आपने ये पहली बार बेचा? इस पहली बार बेचा सर। किसानों को दिया? हाँ। तो जितने भी किसान भाइयों को आपने ये मक्का लगवाया, तो कैसा रिजल्ट आ रहा? कहीं पे भी एक रत्ती पर भी शिकायत नहीं आई है जी। हाँ। सूखने की प्रॉब्लम नहीं आई है। दूसरी कंपनी के कंपटीटर में लगाया तो उससे बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। हाँ। क्योंकि आपके बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वाली प्रॉब्लम सूखा रोग वाली आती है, तो वो इसके अंदर कहीं देखने को मिला? कहीं पे भी शिकायत देखने को नहीं मिली इसकी जी। हाँ। तो भरत भाई, दूसरा तो जैसे कि ये अभी रवि सीजन के अंदर लगाया यहाँ पर, और आज हम तारीख की बात करते हैं तो 17 अप्रैल है। ये लगभग 125 से 130 दिन का पौधा हो गया है, और अभी इसको कटाई में 10 दिन और लगेगा। अगर इसके तने की हम बात करते हैं तो देखिए किसान भाई कितना मजबूत तना है। सेकेंडरी रूट पूरी भरकर आई है, पूरा भुट्टा है आपका, पूरा ये भर के आया है ऊपर तक। इसका जो दाना है गहरे नारंगी रंग का दाना है, इसका कवर है। किसान भाइयों देखो, अगर बारिश भी आएगी तो आपका इसका कवर है जो पूरी तरह से इसको ढक के रखता है। अगर हवा भी आएगी तो आपकी गिरेगी नहीं, मक्का पूरी तरह से पक जाएगी, लेकिन आप लोगों के पशुओं के लिए भी ये चारा हरा मिलेगा। क्यों भरत भाई, और कुछ किसान भाइयों के लिए और कोई संदेश? मैं तो संदेश यही देना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में इसको लगाए जी। हाँ, सभी फार्मर से यही अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वैरायटी को लगाएं जी। हाँ, किसान भाइयों जैसे कि हमारे भरत भाई कह रहे हैं, सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध है, आने वाले समय में रबी और खरीफ के सीजन के अंदर आप कलश कंपनी की 53 मक्का लगाएं और अपने खेतों में अधिक पैदावार पाएं, और अधिक पैदावार आएगी तो आप लोग खुश रहेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।